राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अब बस कुछ ही समय बचा है और इसके लिए अयोध्या में अनुष्ठान पहले ही प्रारंभ हो चुका है। इस भव्य ऐतिहासिक समारोह के लिए रामनगरी अयोध्या को बेहद खूबसूरती से सजाया जा रहा है। सजावट के अंतिम चरण में अयोध्या को फूलों से सजाकर तैयार किया जा रहा है। इन तैयारियों में लगे लोगों का जोश और उत्साह देखते ही बन रहा है। बढ़िया तरह से सजाया जा रहा है, जैसे ही उन्होंने डिजाइन दिया है वैसी तरह से सजा रहे हैं। जय श्री राम वगैरह सारी चीज लिख रहे हैं, इस पे जय सीता राम प्राण प्रतिष्ठा लिख रहे हैं लड़ी से। और जी क्या कहते हैं, जैसा भी उन्होंने बोला है वो बढ़िया से बढ़िया, बढ़िया से बढ़िया अपनी तरफ से हम कर रहे हैं। जितनी भी मैंने गाजीपुर से, कलकत्ता से और बेंगलोर से, बहुत सारी जगह से फूल आया है। कौन कौन से फूल हैं इसमें कुछ बता पाएंगे? जरबरा है, ऑर्किड है, एंथोरियम है, गिलाइट है, और ये घास पत्ती है, गुलाब है, मतलब जितनी वैरायटी का फूल है वो सारा ही हमारे पास है। क्या कहना चाहेंगे, सौभाग्य है बहुत जो राम, हमारा बड़ा सौभाग्य है, हमें राम जी की चरणों में सौभाग्य मिला है, अवसर मिला है। सभी बहन भाइयों को राम राम कहते हैं, हमारे फूल की डेकोरेशन को देखें। बता दें कि मंदिर परिसर को फूलों से सजाने के लिए कई कारीगरों को बुलाया गया है, जो मंदिर और मुख्य द्वार को सजाने का काम बड़ी उत्साह के साथ कर रहे हैं। मंदिर परिसर की सजावट से ही अंदाजा हो रहा है कि कार्यक्रम की भव्यता कितनी होगी। राम मंदिर के द्वार की भव्यता कितनी शानदार है, ये जानने के लिए पंजाब की केसरी टीम खुद मौके पर पहुंची और पूरे दृश्य को कैमरे में कैद किया। श्री राम बला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही। इस वक्त हमारी जो मौजूदगी है वो मुख्य द्वार पर, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत तरीके से फूलों से इस पूरे मुख्य द्वार को सजाया गया है। जय श्री राम जो है वो भी लिखा गया है, साथ ही साथ अगर हम बात करें तो पूरे मुख्य द्वार को फूलों से, जो कि कोलकाता से लाया गया है, उनसे फूलों से इसको सजाया जा रहा है। कोलकाता के जो कलाकार हैं वो इसको पूरा रूप जो सज्जा है उसको सजाने का काम वो कर रहे हैं। यहाँ पर मुख्य द्वार पर हाथियाँ भी लगाई गई फूलों के माध्यम से, और अलग अलग किस्म के जो फूल हैं उससे पूरे इस मुख्य द्वार को जो है वन सजाने का काम किया जा रहा है। अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आएंगे तो इसी द्वार से होकर जाने वाले हैं, और यही वजह है कि इस द्वार को कितना सुंदर और कितना भव्य बनाने का काम जो है वो किया जा रहा है। इतना ही नहीं, अगर हम बात करें तो पूरी तरीके से इस द्वार के, अगर हम बात करें सड़कों को भी, तो यहाँ पर भी पटाखे लगाए गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो श्री राम जय श्री राम के जो स्टैंडी हैं वो भी सड़क के सभी मुख्य जो पोल हैं उन पर लगाए गए हैं। यानी अगर हम बात करें तो पूरी अयोध्या को इस वक्त जो है वो रूप देने का काम किया जा रहा है कि जिस तरीके से त्रेता युग में जब भगवान श्री राम आए थे तो उस तरह की जो स्वागत की तैयारियां थी, ठीक उसी तर्ज पर पूरे अयोध्या का सुंदरीकरण का जो काम है वो चल रहा है। समीर के साथ अश्विनी सिंह, पंजाब केसरी, अयोध्या। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।